हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके पास आता ही है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आखिर ये न्यूट्रल क्या है और अर्थ क्या है, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं जो है सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप अगर डिटेल में जानना है कि न्यूट्रल क्या है और अर्थिंग क्या है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर ये जो न्यूट्रल ये क्या है। तो सपोज़ मान लीजिए कोई एक सिंगल फेज का जो है एक मोटर है, और उस मोटर को अगर हमें रन करवाना है तो रन करवाने के लिए हमें जो एक फेज लाइन का जो है जरूरत पड़ेगा और एक न्यूट्रल का। अब ये जो न्यूट्रल है ये वर्क करता है एज ए रेफरेंस पाथ ऑफ फेज लाइन का, यानी कि जो फेज लाइन दे रहे हो तो रिटर्न हमारा आना चाहिए ना, क्योंकि जो फेज लाइन है उसका आप अगर वेव डायग्राम देखेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो जो है चेंज होते रहता है। तो ये जो न्यूट्रल लाइन है ये एक रेफरेंस पाथ है हमारे फेज लाइन का, इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये अर्थिंग के बारे में, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक मुझे जो है सिंगल फेज का मोटर चलाना है, तो आपने क्या किया, उसमें जो है एक फेज और एक न्यूट्रल डाल दिया। आपका मोटर जो है अभी रन हो रहा है, और किसी कारण अगर मान लीजिए वो सिंगल फेज मोटर का जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग अगर कट के उसके बॉडी के साथ टच होता है तो क्या होगा, फेज लाइन जो है उधर से लीक करेगा। अब हमारे मोटर पे जो है अभी अर्थिंग लगा हुआ नहीं है, तो कोई भी पर्सन आ करके अगर उस मोटर को अगर भूल से भी अगर छू देता है तो उस पर्सन को जो है हेवी शॉक लगने का चांसेस रह जाता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर जो है आदमी जो है डेथ हो जाते हैं। गाइस, अब आपने क्या किया, सिंगल फेज मोटर में जो है आप जो है अर्थिंग डाल दिए। अब अर्थिंग लगाने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कारण हमारे मोटर के जो वाइंडिंग है अगर वो शॉर्ट सर्किट होकर बॉडी पे अगर टच भी हो जाता है तो क्या होगा, वो जो फेज लाइन है वो हमारा डायरेक्ट अर्थिंग से जो है ग्राउंड पे चला जाएगा। अब अगर कोई भी ह्यूमन आकर के उस मोटर को टच भी करेगा तो उन्हें जो है करंट नहीं लगेगा। उसका रीज़न बस ये है कि हम लोग अर्थिंग के लिए जो मेटल यूज़ करेंगे, यानी आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं या फिर कॉपर, ये दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने के वजह से जो फेज लाइन है ये हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा हमारे फेज लाइन जो है वो सबसे पहले से ही जाना पसंद करेगा। यानी कि हमारा ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से हमें जो है शॉक नहीं लगेगा। तो आई होप गाइज ये छोटी सी वीडियो में जो है आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिली होगी और मैं जो है आपको अच्छा से समझा सका। तो अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेंड करिए, ताकि उसे भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आखिर क्या कौन सा फैक्ट है। और गाइज अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।